दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेदांतु एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी वेदांतु एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रहा है और आप भी इस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्केप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको मैसेज एप्लीकेशंस को ऊपर पे लॉन्ग क्लिक करके रखना है। दोस्तों जैसे आप मैसेज एप्लीकेशंस को ऊपर पे लॉन्ग क्लिक करके रखेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप इन्फो का। सिंपली आपको ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लियर स्टोर का। सिंपली आपको क्लियर स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लियर स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज एप्लीकेशन का जो भी आपका डाटा रहेगा वो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा परमिशन का। सिंपली आपको परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा SMS इस परमिशन को आपको अलाउ करना है। दोस्तों जैसे इस परमिशन को आप अलाउ कर देंगे तो आपके मैसेज एप्लीकेशन पे वेदांतु एप्लीकेशन पर OTP आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम।